साहिल जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारी विद्वत्ता जो है ना अपने हित में काम आ रही है ना देश के हित में काम आ रही है। ये बताइए कि इस देश की विद्वत्ता कहाँ गई है 75 सालों से, अन्यथा गुलामों के नियम जो कि भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए और हीन भावना के लिए अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, कि हम कितने अविवेकशील हैं, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, आप ही बताइए ना मुझे, मैं अदरवाइज आप बताऊं, बताइए। एक छोटी सी विवेचना होती है जिसमें चार पांच जो है ना गवाह होते हैं, एक आध दो दस्तावेज होते हैं, उसे एक दिन में अधिक से अधिक 3 दिन में क्यों डिसाइड नहीं किया जा सकता? हमें पूरी प्रक्रिया बदल देना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब दूं। आपकी जो बातें हैं, जो प्लानिंग है, वो 3 महीने के अंदर पूरे देश का नक्शा बदल सकती है, ठीक। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, आईएएस आईपीएस हैं, जो जजेस हैं, लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है कि वो व्यवस्था को सही करें। प्रॉब्लम यहाँ है, नहीं, प्रॉब्लम लेकिन यहाँ है। लेकिन लेकिन हम लोग खुद इस बात को समझ के, यदि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, अपने लिए वोट नहीं मांगना पड़ रहा है, यदि हम जो है अपने आप को जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त की प्रसन्नता में स्थापित कर देते हैं, तो बिना प्रचार के आप जीत पा रहे हैं और आप सब नियम कानून बदल पाएंगे। इतनी छोटी सी बात, क्या मैं बहुत कठिन भाषा में बोल रहा हूं? नहीं, मैं आपकी बात का फिर से जवाब दे रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो आने वाले 50 साल पहले ही कह दे रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, समझिए। जो आप मॉडर्न 50 साल चले पहले हैं, क्यों कह रहे हैं? अभी 75 साल से हम जूते लाते खा रहे हैं मैं और आप वही कह कह रहे हैं रहा कि हम हूँ। 50 साल पहले। नहीं, 50 साल बाद जो स्थितियां होना है देश की, वो दर्पण आप आज दिखा रहे हो, इसलिए इन नेताओं को, ब्यूरोक्रेट को, जजेस को समझ में नहीं आ रहा है। आप बात समझो, नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात आप बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वो हालात बनेंगे, लेकिन वो हालात बनने में हमारे जैसे देश में 50 साल लगेंगे। जो 50 होना है उसको आप आज दिखा रहे हो, तो इनका माइंड सेट इतना बड़ा नहीं है कि उस चीज को जो है समझ सके। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। अब मैं समस्या, समाधान, ऑब्जेक्टिव वो तो ठीक ही ठीक है, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। यदि हमारे जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम किसी से वोट नहीं मांग रहे हैं, इसमें आपको अपने लिए वोट नहीं मांगना है। आप जो संगोष्ठियां कर रहे हैं उसमें वो एक बार भी नहीं कह रहे कि मुझे वोट दो। आप क्या कह रहे हैं कि इन 21 लक्ष्यों के लिए, इस देश को बदलने के लिए, गुलामों के नियम कानून से आजादी पाने के लिए आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, और आप बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं कि भैया यदि आपको समझना है तो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, यदि आप समझ लिए हैं तो शपथकृत सदस्य बन जाइए, और पहले दिन 10 लोगों को जोड़ लीजिए, फिर धीरे धीरे आराम से जो है ना 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प जितने भी समय में पूरा हो वो करते रहिए, लेकिन शुरू में अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने लोग, 10 लोग बहुत छोटी संख्या होती है, हम केवल 10 लोगों को जोड़ लें और फिर संकल्प को भी जितने समय में पूरा हो जाए कर लें, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यदि पर्दे के आगे खेलने की हमारी इच्छा है तो अधिक से अधिक संगोष्ठियां करके हम अपने आप को चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आए, तो आपको टिकट भी मिल जा रहा है, आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल जा रहा है, आपको किसी के सामने हाथ फैला के वोट भी नहीं मांगना पड़ रहा है, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और हालात इतने ज्यादा गंभीर होंगे कि ये लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। अब यदि इतना अच्छा मॉडल है और अपने जेब से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं तो अजमाए फिर विश्वास करने में क्या दिक्कत है, जब हम रोज लाते हैं जूते खा रहे हैं वर्तमान व्यवस्था में।
इसमें मैं इस बात को मैं ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ठीक ढंग से ठीक नहीं समझा पा रहा हूँ, या लोग इतने मंदबुद्धि हैं, उनका विवेक काम नहीं कर रहा है और अपने जेब से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, और जब अपन कह रहे हैं कि अजमाएं फिर विश्वास करें, इसमें क्या दिक्कत? अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। आप जी जो है, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, उसको आपने सुना? नहीं, नहीं सुना। बस यही तो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं 45 मिनट बोला और 1 घंटा आंसर किया लोगों को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी केजरीवाल से ऊपर चली गई है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप देखिए, मैं भेज रहा हूँ लिंक। उसमें इन जो आपके सवाल है ना, आप के सारे सवालों के जवाब हैं। स्टाइल थोड़ा दूसरा। अच्छा आप देखिए, फिर हमसे बात कीजिए। मैं बात करता हूँ, मैं बेंगलोर जाना है, फोन आ रहा है उसका, और हाँ फिर आप भी चलना, अभी बात करते हैं। ठीक है, जरूर जरूर जरूर, ओके, ठीक है। नमस्कार नमस्कार।